स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो साइंस थर्सडे में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर फार्मिंग कैसे की जाती है या क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, पूरा पृथ्वी पे एक ही चीज़ हो रहा है जिसे हम लोग कहते हैं लाइट एनर्जी, यानी कि जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में बदला जा रहा है। ये आपका पेट्रोल है, ये आपका डीजल है, ये आपका ब्रेड है, ये आपका रोटी है, सब चीज़ यही है। मतलब वाटर यानी पानी, लाइट जो सूरज से आ रहा है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के, और थोड़ा सा न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन माइनॉरिटी, अगर मान लीजिए दो किलो मतलब पानी ले रहा है या 10 किलो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो मतलब ग्राम में न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन हमेशा छोटा हिस्सा होता है। ये सब को लेके ये हाइड्रोकार्बन का एक ग्लूकोज टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, इसका इस्तेमाल करके पूरा प्लांट बनता है। तो यही समझिए, पूरे पृथ्वी पे जो भी चीज़ है वो फोटोसिंथेसिस से ही है, हर चीज़ का बेस यही है, लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट्स इट। मतलब ये एकदम समझिए बेस है, फंडामेंटल है फार्मिंग का। तो फिर सन के साथ अब प्रॉब्लम ये है ना कि जो कि सन बनाया गया मतलब ये है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसका आउटपुट हमेशा टाइम के हिसाब से चेंज होता है। प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं, कोशिश करते हैं कि वो ताकि एडजस्ट कर सकें, लेकिन समझिए कि जो क्रॉप्स होते हैं, जो फसल होती है वो इंसान, ये मतलब कुदरत का तो बनाया हुआ है नहीं, वो इंसान का बनाया हुआ है। इसीलिए आपको कहीं मतलब जाके ये नहीं मिलेगा कि हाँ अरे इधर गए तो गन्ना का जंगल मिल गया, वो सब नेचुरल नहीं है। तो अब प्रॉब्लम है कि वो सब क्रॉप हम लोग अपने हिसाब से बनाएं तो वो सन का आउटपुट जो है उसको अच्छे से नहीं एडजस्ट हो पाता है। और सन ऐसे भी अगर देखना चाहेंगे तो बहुत पावरफुल है, मतलब अगर आप सन का आउटपुट देखिएगा तो सन इंफ्रारेड में बहुत एनर्जी डंप करता है, और प्लस अल्ट्रावायलेट में भी है, और विजिबल स्पेक्ट्रम जो है उसमें भी काफी एनर्जेटिक है। तो इसी कारण से आपको देखते होंगे इक्वेटर के आसपास बहुत सारा जंगल नहीं हो पाता, तो और मतलब रेगिस्तान बन जाता है, क्योंकि सोलर एनर्जी है और आप पानी दे भी दें तो भी वो प्लांट बर्न हो जाता है क्योंकि नहीं हैंडल कर पाता उतना एनर्जी को, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। और प्लांट के बारे में आप ये समझिए कि प्लांट ग्रीन दिखता है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि प्लांट ग्रीन लाइट इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ग्रीन लाइट उसे पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो ये समझिए ग्रीन लाइट, लेकिन ऐसा थोड़े कि सन उसके हिसाब से बना रहा है कि हाँ हम ग्रीन लाइट नहीं देंगे जो तुम वेस्ट कर रहे हो। तो समझिए सन हमारे कंट्रोल में नहीं है और बहुत पावरफुल, मतलब अगर आप कुछ भी कीजिए तो उसका पावर को हैंडल करना फजीयत वाला होता है, इंफ्रारेड जरूरत से ज्यादा है, और मतलब बोले वो चीज़ है जो प्लांट इस्तेमाल ही नहीं करता है, प्लांट सीधे रिजेक्ट कर दे रहा है। तो हम लोग को चाहिए कि प्लांट का ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकालना है, तो कैसे किया जाए, तो आर्टिफिशियल ही हमारे पास ऑप्शन आता है। तो आर्टिफिशियल का आप ये समझिए कि जैसे अगर मैंने पिछला वीडियो देखे होंगे जो हाइड्रोफोनिक्स पे था, उसमें बताया कि मैंने प्लांट्स को अब एक दूसरे के ऊपर लगाया जा सकता है, तो ये ग्रीन हाउस में करना कुछ हद तक पॉसिबल है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इक्वेटर के पास आए जो सोलर ल्यूमिनेंस यानी कि कितना सनलाइट है वो काफ़ी है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट है कि मतलब खूब लंबा लंबा आप नहीं बना सकते, कि 10 स्टैक नहीं कर सकते। हाँ मतलब ये जो ग्रीन हाउस में किया जाता है हाइड्रोफोनिक्स बिना आर्टिफिशियल लाइट के, खुले ज़मीन से बहुत बेटर है, लेकिन मतलब अगर आप चाहते हैं 50 गुना ज्यादा आउटपुट हो या 100 गुना आउटपुट हो वो नहीं हो पाएगा। तो इसी कारण से अगर वर्टिकल फार्मिंग करना सीरियस, जैसे कि हम लोग का बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे कि आपका एम्पायर स्टेट बिल्डिंग हुआ, ये सब उस तरह से आपको फार्मिंग करना है कि पूरा का पूरा एक बिल्डिंग के अंदर फार्मिंग हो रहा है, तब आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग जरूरी है, क्योंकि सोलर लाइट ऊपर से नीचे तक नहीं आ पाएगा। तो इसी कारण वर्टिकल फार्मिंग अगर करना है सीरियसली लॉन्ग टर्म और ज़्यादा पोटेंशियल के साथ, आपको ये करना ही पड़ेगा। दूसरा, टेम्परेचर पे कंट्रोल मिलता है। मैंने आपको बताया कि सनलाइट जो है वो उसमें काफ़ी इंफ्रारेड होता है और काफ़ी ऐसे स्पेक्ट्रम होते हैं जो प्लांट तो यूज़ ही नहीं करता, सीधे रिजेक्ट कर देता है। तो अगर आप मतलब कोशिश की कि ठीक है खूब सारा मिरर लगा के लाइट बाउंस किए, सारे प्लांट जल जाएंगे, क्योंकि उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ आ जा रहा है जो उस प्लांट को नहीं चाहिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ट्यूब से करके करने लगे कि हाँ भैया हम फ्लोरोसेंट ट्यूब लगा के फार्मिंग करने लगते हैं, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब थोड़ा इंफ्रारेड बनाता है, ऐसा नहीं कुछ नहीं करता, थोड़ा सा तो वो भी बनाता है, लेकिन कंपेयर टू सन मतलब कि ये 100 वाट अगर दे रहा था तो उसमें से कहिए 20 वाट आपका इंफ्रारेड था, यहां पे 100 वाट का लाइट है तो उसमें से सिर्फ 2 से 3 वाट मतलब इंफ्रारेड है। तो इसका इस्तेमाल करके आप खूब सारे प्लांट अगल बगल रख सकते हैं और लाइट दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल सनलाइट आप ल्यूमिनेंस देने गए तो जला देगा इंफ्रारेड के चलते। तो कंट्रोल हम लोग को टेम्परेचर में मिलता है, और इससे जो है हम लोग ग्रोथ जो है ना उसको ट्यून कर पाते हैं कि ठीक है प्लांट का रिक्वायरमेंट जो होता है जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है चेंज होता जाता है, कभी उसको ये चाहिए कभी उसको वो चाहिए, तो उसको ट्यून करना कंट्रोल करना पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए आर्टिफिशियल हम लोग करना चाहते हैं, ताकि पहला तो वर्टिकल फार्मिंग बिना उसके हो नहीं पाएगा, मतलब थोड़ा मोड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप सीरियस वर्टिकल फार्मिंग करना चाहते हैं कि मतलब आपका एक बिल्डिंग से पूरा शहर खिलाना चाहते हैं, तब तो आपको आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। दूसरा, टेम्परेचर पर कंट्रोल मिल जाता है। तीसरा, ग्रोथ को हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं।
तो ये सब का आइडिया बहुत पहले से था, मतलब समझिए 1990 से ही लोग काम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन बात था कि एक प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता था, सवाल ही नहीं था, डिस्कशन भी नहीं था, वो लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहे थे। लेकिन जब एलईडी का इन्वेंट हुआ तो आप ये समझिए एलईडी बहुत इफिशियंट होता है और लो पावर खाता है। तो मतलब समझिए एलईडी में आप 10 वाट एनर्जी डालते हो तो लगभग 9.95 वाट का तो लाइट ही दे देता है सीधे सीधे। और एलईडी को वाइट बनाना मुश्किल होता है, एलईडी को सिंगल कलर बनाना बहुत आसान होता है। तो एलईडी को वाइट एलईडी बनाना बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप बोलते रेड एलईडी, रेड एलईडी सस्ते से बनेगा और बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है। तो जब एलईडी का डेवलपमेंट हो गया, मास प्रोडक्शन होने लगा, सस्ता होने लगा, तब हम लोग स्पेक्ट्रम कंट्रोल पे आ गए। मतलब पहले हम लोग लाइट कंट्रोल कर रहे थे, अब लाइट को खोल के, मतलब जैसे जो स्पेक्ट्रम होता है ना, लाल से लेके नीला तक का जो रेनबो जो होता है, उसके अंदर अब हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि वो क्यों करना चाहो, क्यों नहीं शांति से लाइट दे दो, क्योंकि प्लांट जो है, आपको मैंने बताया कि वो ग्रीन लाइट सीधे रिजेक्ट कर देता है। तो प्लांट को अगर आप देखना चाहते हैं कि एक्चुअली एब्जॉर्ब क्या करता है, किससे उसका मतलब मेन फोटोसिंथेसिस होता है, वो रेड लाइट से होता है जो 660 नैनोमीटर का है, और थोड़ा सा ब्लू लाइट जो है 440 नैनोमीटर का। तो आपको मतलब ये कंट्रोल किया जाता है रेशियो, क्योंकि आप समझिए आजकल तो माइक्रो प्रोसेसर भी इतना सस्ता हो गया कि लिटरली एलईडी स्ट्रिप खरीदेगा उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। तो काफी लोग ये इसीलिए आपको ये थोड़ा मतलब प्योर लाल नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ही नीला लग रहा है, क्योंकि प्लांट नीला भी बहुत ज्यादा नहीं खाता है। और उस पर भी कंट्रोल किया जाता है कि अगर नीला बहुत कम है तो मतलब थोड़ा कड़ुआ फसल होने लगता है, नीला बहुत ज्यादा है तो ग्रोथ कम हो जाता है, लीफ जो है ठीक से ग्रो नहीं कर पाता। तो ये सब एकदम ट्यून करते हैं कि ठीक है 95% रेड दो, 5% ब्लू दो। तो इसीलिए आपको मतलब जहां पे भी आप देखिए आर्टिफिशियल लाइटिंग से ग्रो किया जा रहा है, जनरली लाल के ही तरफ रहेगा। और इससे ये देखिए प्लांट एकदम काला दिखने लगता है। तो आप तो बोले वो गलत बात है, नहीं, प्लांट काला दिखने का मतलब हो गया कि उससे लाइट बाउंस नहीं कर रहा है। इसका ये फायदा होता है कि अगर आप मान लीजिए यहां लगाए तो ये प्लांट से अगर रिफ्लेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए व्हाइट लाइट होता है, तो हर बार जब प्लांट आप व्हाइट लाइट लगाए, प्लांट खाया उससे थोड़ा सा और मेजोरिटी रिजेक्ट कर दिया, मेजोरिटी ग्रीन में रिजेक्ट किया, तो देखते देखते जैसे मान लीजिए टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा लेकिन ग्रीन लाइट का इमिशन इतना बढ़ गया कि प्लांट जलने लग जाते हैं। तो इसी कारण से हम लोग एकदम फाइन ट्यून कर रहे हैं, तुमको यही खाना है ना तो यही देंगे तुमको, मतलब ऐसा नहीं देंगे कि तुम फेंक दो। क्योंकि वो फेंके, आप सोचिए पहला वाला फेंका, थोड़ा सा लाइट मतलब ग्रीन आ गया, ऊपर थोड़ा और ग्रीन आ गया, थोड़ा और ग्रीन हो गया, और देखते 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 ये पूरा जलने लग जाता है प्लांट का। तो इसी कारण से हम लोग एग्जैक्टली वही देना चाहते हैं, उतना ही देना चाहते हैं जितना खाएगा। जैसे मान लीजिए इसको मतलब 100 वाट चाहिए तो हम लोग 101 वाट देंगे, मतलब ज़्यादा नहीं देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हमेशा रखना चाहिए मार्जिन ऑफ एरर के लिए। तो ये सब करेंगे, और प्लस एलईडी लंबा चलता है, मतलब 10,000 घंटे तक का कंटिन्यूस 24x7 ऑन साइकिल रख सकते हैं। तो इसी कारण से एलईडी के चलते ये अब एकदम वाइबल हो गया है कि इसका इस्तेमाल करके लोग टोक्यो में इस्तेमाल करने लगे, इसका इस्तेमाल करके अमेरिका में काफ़ी जगह इस्तेमाल हो रहा है, स्विट्जरलैंड में भी काफ़ी जगह हो रहा है, मतलब लोग अब इसका गाड़ी खुल गया है। मेन बात यह है कि फसल उगाना ही सिर्फ एक बात नहीं होता, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी होता है। तो ये सब मतलब शहर के बगल में रख देते हैं तो शहर को सीधे ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, तो मतलब महंगा दाम पे भी शहर वालों को प्रॉफिट हो जाता है कि उनके लिए वो सस्ता है रिलेटिवली, और मतलब ये सब अफोर्डेबल हो जा रहा है। और एलईडी का लंबा लाइफ, हाई इफिशियंसी और फाइन ट्यून जो कर पा रहे हैं इसके कारण से, मतलब 15-16 स्टैक तक लगा दिया जा रहा है एक जगह पे, मतलब सोचिए एक वेयर हाउस में 15 स्टैक तक है, और उससे भी ज़्यादा किया जाता है। वो बस बात होता है कि फिर मेटल नहीं उतना वजन संभाल पाएगा, तो मतलब फ्लोर सीमेंट का बना के फिर उसके ऊपर कीजिए, तो किया जा सकता है। मतलब आप चाहें तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना दीजिए पूरा से फसल से भरा के, वो किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसीलिए। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप एकदम फाइन ट्यून कर रहे हैं कि मतलब प्लांट को जो खाना चाहिए आप उतने खिला रहे हो, फालतू का नहीं दे रहे हो कि भैया तुम ग्रीन बाहर फेंक दो बर्बाद कर दो। ये एलईडी के चलते एकदम रेवोल्यूशन हो गया, मतलब एलईडी से पहले किया जा सकता है लेकिन कर नहीं सकते थे क्योंकि दाम बहुत लगता था। अभी भी ये है कि कैपिटल बहुत है, कैपिटल दबा के खाएगा आपका, और आपको अभी भी ये सब बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बॉटनिस्ट होना चाहिए आपके आसपास। तो ठीक है, तो ये आसान नहीं है, ये हाइड्रोफोनिक्स का बड़ा भाई है, लेकिन अगर आप कर देते हैं, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो प्रॉफिट निकालना पॉसिबल हो गया है, क्योंकि एलईडी लंबा चलता है, बिजली भी बहुत नहीं खाएगा, पानी भी बचता है। तो सब चीज़ मिला के ये एलईडी एकदम एक समझिए रेवोल्यूशन लिया है फार्मिंग में। फिर सवाल बनता है कि हम लोग इतना फजीहत वाला रास्ता करें क्यों। तो आप ये समझिए कि फसल जो है हमारा अभी वेदर पे बहुत डिपेंडेंट है, वेदर जो है बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा ये मतलब नहीं होता कि हर चीज़ गर्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि राजस्थान में लोग ड्यू से परेशान है कि भैया इनका मतलब समझिए पत्ता जल जा रहा है क्योंकि उसमें पानी गिर जा रहा है, तो रात को ऐसा मतलब ये राजस्थान में किया जा रहा है, और यहाँ तो आप देख ही सकते सूखा पड़ रहा है और कहीं पर ठंडा बहुत ज़्यादा ठंडा हवा चल रहा है। तो समझिए वेदर जो है ना अनप्रडिक्टेबल हो गया, तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी कारण
से आइसोलेट कर देना चाहते हैं कि भैया वेदर को हटा दो, इक्वेशन से हटा दो। जैसे मान लीजिए तब आपके पास बिल्डिंग हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग में बोल रहा है कि यहाँ पे खेती किया जा रहा है, जब तक उस बिल्डिंग में पानी जा रहा है, जब तक उस बिल्डिंग में मतलब जो जो उसका रिक्वायरमेंट है वो आप कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर बारिश हो रहा है, 6-7 महीना से बारिश हो रहा है कंटिन्यूसली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, जो कि रिसेंटली जो अमेरिका में पोलर वोर्टेक्स आया था जो ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा कर दिया था, बहुत उनका फसल नष्ट हो गया, तो वो सब नहीं होगा। मतलब उससे कोई फ़र्क ही नहीं, आप आइसोलेट करते रहें और जो चीज़ आपको चाहिए वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बिजली, हम लोगों को पता है बिजली कैसे लाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बिजली हो गया। पानी ये बहुत कम खाता है, हाइड्रोफोनिक्स जो है बहुत कम पानी ऐसे ही खाता है। मतलब आप पिछला वीडियो देखें तो पता है 80% तक बचा रहे हैं, ये 95% तक चला जाता है। तो आपको लगे भाई इतना ज़्यादा कैसे बचा है, तो ये भी हाइड्रोफोनिक्स ही, तो कैसे ये ज़्यादा बचा ले रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम है। आप समझिए ग्रीन हाउस में टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा हो, क्योंकि सन का इन्फ्रारेड घुसेगा ही, भले आपका ग्लास ऐसा बना ले जो इन्फ्रारेड को रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन 100% तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना। तो इसी कारण से, और प्लस वो व्हाइट लाइट है, यानी हर बार ग्रीन फालतू का वेस्ट होते जा रहा है। तो टेम्परेचर जैसे मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस की जगह पर 20 डिग्री सेल्सियस रख रहे हैं, पानी का इवेपोरेशन लॉस कम हो रहा है, पानी बहुत अच्छे से रिसाइकल हो जाता है। पानी सबसे बड़ा बात है, पानी बच रहा है। और लैंड यूजर्स जैसे मान लीजिए टोक्यो में अभी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया है, तो 50 से 100 गुना ज़्यादा वो तो अभी देने लग रहे हैं, कि मतलब ये एक मीटर स्क्वायर है, क्योंकि आप समझिए उसके ऊपर चले जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार एकड़ लगा के तब जाके आप एक छोटा सा शहर को खिला पा रहे हैं, वैसा नहीं है। मतलब एक एकड़ में आप मतलब लगभग समझिए दिल्ली उल्ली को खिला लीजिए, मतलब आपको काफ़ी ऊँचा बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, लेकिन किया जा सकता है। तो ज़मीन का जो प्रॉब्लम हो जाता है कि हर ज़मीन को आप ये करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा ताकि लोगों को खिला सके, वो समस्या सॉल्व हो जाता है। और पेस्टिसाइड नहीं लगता, जो कि हर चीज़ अब सील कर दी, अब तो ऊपर से भी ऐसा लाइट नहीं आ रहा है, हर चीज़ सील कर देने का फ़ायदा होता है कि मतलब ये सब में जो लोग फसल उगा रहे हैं उसमें एक जगह पे भी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड नहीं पड़ रहा है। फर्टिलाइज़र जनरली लिक्विड न्यूट्रिशन दिया जाता है, और फर्टिलाइज़र के जगह पे काफ़ी लोग ये कर रहे हैं कि मछली का पॉन्ड बना दे रहे हैं, कि मछली को खाना खिला रहे हैं, मछली का जो वेस्ट है वो प्लांट खा जा रहा है। मतलब इकोसिस्टम यही होता है, नेचर में ही होता है कि एक का वेस्ट दूसरा खाता रहता है, तो ऐसे करके वो पूरा क्लोज लूप कर दे रहे हैं। मतलब एक बिल्डिंग के अंदर मछली का भी पॉन्ड चल रहा है, उसे फसल भी उग रहा है। तो ये सब करने के कारण पेस्टिसाइड एकदम जीरो लगता है, लगता ही नहीं है पेस्टिसाइड। मतलब अगर आप किसी मतलब ये जाइएगा, मतलब फार्म में जाइएगा, वहाँ आपको कोई नहीं बोलेगा तोड़ के मत खाओ, क्योंकि मान लीजिए अगर दवाई छिटा गया तो वो दवाई धोना पड़ता है उससे, नहीं तो वो जहरीला रहेगा आपके लिए। यहाँ पे दवाई इस्तेमाल, मतलब जा रहे हैं इसीलिए आप देखिएगा सारे वीडियो में देखिएगा सब लोग दे रहे हैं ऐसे तोड़ के खा ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ कुछ तो इतना हाई लेवल तक प्योरीफाई रहता है कि उन तो जड़ भी खा सकते हैं, क्योंकि जड़ मतलब फर्टिलाइजर डाला नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन है। तो मतलब ऐसा थोड़ी कि नाइट्रोजन आपके लिए जहरीला है। और ये अब भारत में करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 3-4 दिन से देख रहे होंगे, मतलब न्यूज़ चैनल देख रहे होंगे, तो कई बार लोगों को अब यह आ रहा है कि सारे नदी के पानी में ज़रूरत से ज़्यादा हैवी मेटल का कंटेमिनेशन हो गया है, यानी कि लेड घुस गया है, आर्सेनिक घुस गया है, ये सब घुस गया। तो मतलब लोग को फ्री फंड का कैंसर हो रहा है, मतलब सब्जी खा रहे हैं और फ्री फंड का कैंसर हो जा रहा है। तो वो सब इन्वायरमेंट में अगर आप बोलिए कि खुला खेत के लिए पानी प्योरीफाई करो, तो इतना पानी लगेगा वो प्योरीफाई करना पॉसिबल नहीं है। ये सब इन्वायरमेंट में कि अगर आप वर्टिकल फार्म बना लेते हैं, महंगा पड़ेगा कोई डाउट नहीं, लेकिन एटलीस्ट कैंसर नहीं लगेगा। तो इसी कारण से ये एक तौर का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये हम लोगों को करना ही है, आज नहीं तो कल करना ही है। हाँ, सारा का सारा चीज़ नहीं करेंगे, जैसे वो गन्ने का खेती तब भी ज़मीन पे ही किया जाएगा, चावल गेहूँ ज़मीन पे ही किया जाएगा, लेकिन बाकी सारा चीज़ धीरे धीरे वर्टिकल फार्म में आर्टिफिशियल लाइटिंग के अंदर कर देंगे, ताकि टमाटर का जो दाम है वो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें मतलब पिछले साल 20 रुपया किलो था, अभी 50 रुपया किलो हो गया, 75 रुपया किलो हो गया, वैसा नहीं होगा। तो इसी कारण से इसको करना ऑप्शन नहीं है, ये आज नहीं तो कल करना है। मतलब 2030 से स्टार्ट करते हैं या 2050 से करते हैं, गाड़ी खोलना ही है इस पर। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आर्टिफिशियल लाइटिंग के बारे में फार्मिंग करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, अगर ऐसा है तो लाइक कर दिए, नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उस समय पता चलेगा आपको कितना ना पसंद हुआ है। और आपसे मैं कहूँगा कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आप ये सारे वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।